Yeah, this is my show, but तो ये शो में जो स्टोरी है वहाँ मैं समझ नहीं पाया कि कैसे इसको ना करूँ. तो मुझे वैसे ही काम मिलते हैं रोमांटिक वाले और इमोशनल वाले, तो और दो दो हीरोइन. तो आई थिंक आई एम सो लकी. नंदिनी है वो काफ़ी ग्लैमरस है, आप मेरी साड़ी देख सकते हैं, मुझे काफ़ी ग्लैमर दे रखा है. उसके साथ साथ शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रॉन्ग हेडेड. स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी है कि आसपास नहीं देखती कि कौन क्या खड़ा है, बड़े हैं छोटे हैं, कभी नहीं देखती है, सीधे बोल देती है. इवन शो में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैत्री आके उसे बचाती है जब भी वो कुछ भी उल्टा बोलती है. तो मैत्री इज़ द सेवियर फॉर हर. और बाकी का आप जब मेरा शो देखेंगे तभी आपको, हमारा शो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं का शो है. हमारा शो है, मतलब मैं जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माय शो, इट मींस ऐसा नहीं कि किसी का शो नहीं है, दिस इज योर शो. या दिस इज माय शो बट आवर शो. दिस योर शो एंड आवर शो, एंड माय शो एंड आवर शो. ओके, 100 बार. यार मैं ना रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, अगर मुझे सामने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कोई मेरे साथ अच्छे से रहता है, तो मैं उसका डबल अच्छे से रहता हूँ. तो मैं इस कैरेक्टर से काफ़ी कनेक्ट कर पाया. काफ़ी रियल बेस्ड स्टोरी है, हमारे राइटर्स अच्छे हैं, प्रोड्यूसर अच्छे हैं, हमारे लकीली को एक्टर्स अच्छे हैं. और जब मुझे स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है कि आशीष एक लॉयर है और फैमिली मैन है जो लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लोगों से प्यार करता है और आज को जीता है. ऐसा नहीं है कि अपने एक टारगेट की वजह से अपने आज के जो वक्त है उसको इन्जॉय नहीं कर रहा है. तो यहाँ मैं कनेक्ट हुआ, मुझे लगा कि यार मैं भी लाइफ में सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भले ही आपका कोई भी टारगेट हो, भले ही आपको लाइफ में कुछ भी बनना हो, पर अपने रिश्ते, अपने आसपास की चीज़ें जीना ना छोड़ दें. वो भी इम्पॉर्टेंट है और लाइफ में सक्सेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली सक्सेस के लिए बाकी चीज़ों को नहीं ख़राब करना चाहिए. सक्सेस के साथ रिश्ते, ज़िंदगी, एक प्लेनेट पे हो, मज़े करो, जियो, खुश रहो. तो ये आशीष है और ये लोगों को एक अच्छा मैसेज ही देकर जाएगा कि दोस्ती के लिए एक ऐसा इंसान है कि सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखता है. तो मुझे लगता है कि हमें रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए. हाँ, कमबैक ही है, 1.5 साल बेसिकली मैंने 8-9 साल डेली शो बैक टू बैक किया था और मुझे भी गैप चाहिए था ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, क्योंकि मैं इन द एंड और ज़िंदगी भर एक्टिंग ही करने वाला हूँ. मैं कभी शिफ्ट नहीं हूँगा कहीं और, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, मैंने एक्टिंग ही करनी है. तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था वो 1.5-2 साल की मैं क्या और सीख सकता हूँ, क्या और ऐसा दे सकता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उनको मैं जस्टिस दे पाऊँ. तो ये शो में जो स्टोरी है वहाँ मैं समझ नहीं पाया कि कैसे इसको ना करूँ, इतनी अच्छी स्टोरी लगी, तो इसलिए मैं इस शो में आ गया. आई नो, जैसे मुझे पता चला कि नमिश है, श्रीनू है, जान खान है, पर ये हिडन टैलेंट है ब्रो, इनको लाइट नहीं मत लेना. तो थैंक यू सो मच. तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा नर्वस थी कि यार इतने मतलब काम कर चुके हैं ये तीनों के तीनों और मैं लाइक अभी मेरे ऐसी 2-3 शोज आए हैं, ज़्यादा नहीं किया. सीखी हुई है, बस हाईवे पे चलाना है. नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, शट अप. तो मुझे, मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन इनसे मिलने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फिर देखा कि ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मतलब इनसे सीखने का ही मौका मिलता है. इवन इतने सीन्स में भी नमिश ने मुझे बताया कि देख तू यहाँ इम्प्रोवाइज कर सकती, ये कर सकती, ये कर ले तो ज़्यादा निखर के आएगा सीन. तो काफ़ी हेल्पफुल है. इवन श्रेनू भी काफ़ी, उसने वो तो इवन मेरी हिंदी भी करेक्ट कराती थी, बिकॉज मेरा पंजाबी टोन आता था, बिकॉज मेरा पुराना शो पंजाब बेस्ड था. तो वो खुद ही बताती कि नहीं यार इधर पंजाबी जा रहा है साउंड, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट अच्छे से. मैं कितनी बार फंबल भी करती थी तो वो करेक्ट कराती थी. तो दीज गाइज आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी डाउन टू अर्थ. अरे बाप रे बाप, ये मैं वापस नहीं दूंगी, मैं सच बोल रही हूँ. हाँ, ये सिर्फ ये गलत बात है नमिश दे, प्लीज. ये पैसे वैसे का लेन देन ना अच्छी बात नहीं होती. झूठा, इसकी हर बात पैसे से स्टार्ट होती है और पैसे पे ही खत्म होती है. तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे ही मरती. हाँ, मरती हूँ मैं पैसे पे. मैं क्या करूँ, मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतने चांस मिलते हैं. जैसे शाहरुख खान को चांस मिलता है हमेशा, इतनी सारी हीरोइनें होती हैं उनके शोज़ में या मूवीज़ में. हाँ, मैं मैंने एक ऐड भी की थी जिसमें मैं राहुल ही था. मेरे को हमेशा ऐसे ही, जैसे शाहरुख खान सर को जैसे कैरेक्टर मिले मुझे वैसे ही मिलते हैं. शायद कहीं ना कहीं मैं उनकी तरह लगता हूँ, मुझे पता नहीं. या तो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ तो शायद मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ अनइंटेंशनली ऑल्सो. तो मुझे वैसे ही काम मिलते हैं रोमांटिक वाले और इमोशनल वाले.
तो और दो दो हीरोइन, तो आई थिंक आई एम सो लकी क्योंकि उनकी जर्नी वैसी है तो अपनी क्या होगी, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ। कल ही ये प्रोमो आया है और अभी मैंने उसको कल ही अपलोड किया है, आई जस्ट सी कि उनका क्या रिस्पॉन्स आया है। ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बोथ आर वेरी वेरी स्वीट, तो वो उनके जैसे ही वो लोग देखेंगे और मुझे उसी वक्त रिप्लाई देंगे।